हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसनैन अब्बास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को भी एसएमएस करते हैं तो आपको एसएमएस देख लेता है, तो लेकिन फ्रेंड्स आपके पास डबल टिक शो नहीं होती है ब्लू कलर की, तो आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपका एसएमएस देखा नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो आपको रिप्लाई भी करता है फिर भी आपके पास ब्लू कलर की टिक नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स अपनी सिक्योरिटी के लिए व्हाट्सएप में ये सेटिंग करते हैं जिससे आपके पास ब्लू कलर का टिक देखने को आपको नहीं मिलता। तो कुछ फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स ऐसा होता है कि उनको इस सेटिंग के बारे में नहीं पता होता, उनसे गलती से ये सेटिंग एक्टिव हो जाती है, बाद में फ्रेंड्स वो परेशान हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपको बता दूँ कि अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं, इस वजह से आप व्हाट्सएप को डिलीट करके दोबारा प्ले स्टोर से जाकर या कहीं से भी जाकर आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, तब भी फ्रेंड्स आपने जो सेटिंग की होती है व्हाट्सएप पर वो एक्टिव ही रहती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने कैसे करना है, आपने उस सेटिंग को कैसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपके व्हाट्सएप पर ये सेटिंग एक्टिव है तो आप उसे कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपसे गलती से ये सेटिंग ऑन हो चुकी है, आपने उसे कैसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मोबाइल है और मैं आपको समझाने के लिए इसी मोबाइल में फ्रेंड्स मैंने डबल अकाउंट व्हाट्सएप बना लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं व्हाट्सएप है, इसके साथ में फ्रेंड्स मैक्स व्हाट्सएप है जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यह है रियल व्हाट्सएप और इसके साथ में फ्रेंड जो मैंने मैक्स व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है इसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अपने दूसरे रियल व्हाट्सएप पर एसएमएस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ भी लिख कर सेंड कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सेंड कर दिया। और अब चलते हैं अपने रियल व्हाट्सएप की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एसएमएस आ चुका है। मैंने जैसे फ्रेंड्स रियल व्हाट्सएप को ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमएस आ चुका है और मैंने इसे ओपन भी कर लिया है, मैंने इस एसएमएस को सीन कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ मैक्स व्हाट्सएप में अगर हम जाएंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ब्लू कलर का टिक आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि अभी तक एसएमएस सीन नहीं हुआ है, हालांकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ से एसएमएस चेक कर लिया। यहाँ पर मैं अगर रिप्लाई भी कर दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं रियल व्हाट्सएप से मैंने रिप्लाई कर दिया है और यहाँ पर मुझे एसएमएस भी मिल चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने एसएमएस भी कर दिया है, लेकिन ये बता रहा है कि अभी तक जो मैंने पहले एसएमएस किया है वो मैंने देखा नहीं है, किस वजह से यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ से एक सेटिंग ऑन की है जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने उनका एसएमएस देख लिया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपने इसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे एक्टिव करना है, मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद फ्रेंड यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी, तो फ्रेंड्स आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहां पर आपको रीड रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसे ऑन कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा ये मैंने मैक्स व्हाट्सएप से फ्रेंड्स एसएमएस करके आपको दिखा देता हूँ। ये है मैक्स व्हाट्सएप और मैं यहां से दोबारा आपको एसएमएस करके दिखा देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एसएमएस किया अपने रियल व्हाट्सएप में। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने सीन कर लिया है एसएमएस। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एसएमएस देख लिया है, जैसे ही उसे ऑन किया यहां पर ब्लू टिक शो हो रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्रेंड यहाँ से एसएमएस किया और यहाँ पर मुझे एसएमएस रिसीव हो चुका है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको बताएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमएस यहाँ पर ब्लू टिक शो हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी का भी एसएमएस देख लें और उसे पता ना चले कि आपने उसका एसएमएस देख लिया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, दोबारा सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है, प्राइवेसी में जाना है
और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीड रिसीव्ड, तो आपने इसे ऑफ कर देना है। तो अब फ्रेंड्स आप किसी का भी एसएमएस देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपने उनका एसएमएस देख लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।